सबका यही होता है, ऋषिकेश आए तो भाई राफ्टिंग तो करनी है, थोड़ा सा एडवेंचर। सर पे कफन बांध लिया है आज तो भाई, करके रहनी है चाहे बहाव कितना भी तेज हो। ये जो मैन ड्राइव है ना, बहुत खतरनाक प्लेस है, बहुत लोगों ने की होगी लेकिन इस बार पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है गाइस, बहुत ज्यादा तेज। काफी मुश्किलों के बाद इनको मनाया क्योंकि अभी जो बहाव बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़े वाला एक्सट्रीम लेवल का खतरा है। रुको जरा, सबर करो। बोल है मार, खींचो उनको ऊपर। टाइम नहीं है किसी के पास, यहाँ नेचर के पास काफी सारा टाइम है आपके लिए। 6:30 बज रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि 6:30 बज रहे हैं, कोई अंधेरा होने वाला है। राफ्टिंग में थोड़ा सा लेट हो गया, नीलकंठ दर्शन के बाद मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो नाइट हो चुकी थी, तो बंद है। आप अभी रिस्की है, मैं सोच रहा मैन ड्राइव से ड्राइव करके आते वही 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर राइड करते और उसमें रैपिड भी अच्छे खासे आते हैं, बट अभी वो सिनेरियो ख़त्म है, रिस्क ज़्यादा है, तो ये लोग मैरिन ड्राइव से शिवपुरी तक ही करवा रहे हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी 6 रैपिड्स मिल जाती हैं हमें एडवेंचर के लिए, तो वो मैं कल करने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो देखना ज़रूर आप सभी। तो आप बाकी आप देखिए, बहाव काफ़ी तेज है इस बार सच में, और गंगा आपने वहाँ पे भी देखी थी हरिद्वार में, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और उस तरफ आप देखिए और पहाड़ देखिए और मौसम देखिए। अभी 6:30 बज रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ मैं नहीं कर सकता, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मिलते हैं कल। ऋषिकेश ही हिमालय की पहाड़ियों का द्वार है, पूरी दुनिया ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है, यानी कि योगी और ऋषियों की भूमि। बात करें लक्ष्मण झूला की तो यहीं से लक्ष्मण जी ने रस्सी के सहारे पवित्र गंगा नदी को पार किया था, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया। शाम होते ही पूरे पुल को रंगीन लाइटों से सजा दिया जाता है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस बिजी लाइफ में बरसों से रेस्ट करने की आपकी हर इच्छा सिर्फ एक शाम में यहाँ पूरी हो जाएगी। ये रिलैक्सिंग पॉइंट आपकी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करके आपको शांति का एहसास देगा, फिर आपके चेहरे पर वो स्माइल वापस आ जाएगी जो आप ना जाने कब से मिस कर रहे थे। यहाँ बैठ के लगता है मानो जैसे गंगा मैया का पानी कोई संगीत हो जिसे आप बस सुनते रहना चाहते हैं। तो आप भी अपनी ट्रिप में इस डेस्टिनेशन को भी जरूर ऐड करें। तो चलिए डिनर करके मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ क्योंकि अगली सुबह का मुझे बेसब्री से इंतजार है। जून से सितंबर एंड सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ के रियल एडवेंचर को फील करने का, बाकी मार्च से मई में भी आप आ सकते हैं, बट गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर फील करना है तो देश से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ही देश में सब अवेलेबल है। एडवेंचर लैंड ऋषिकेश में बहुत कुछ है करने को, नंबर 1 राफ्टिंग तो है ही, जहां से मैं कर रहा हूं वहां की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। बॉडी सर्फिंग करना, पहाड़ों से छलांग लगाना, ये राफ्टिंग में इंक्लूड होता है। इन सब के अलावा काफी सारी चीजें जो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वैली वॉक, वैली रॉक क्रॉसिंग, रॉक ट्रैकिंग, वाटरफॉल ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइसाइकिल राइड नियर गंगा, इन सबसे आप नेचर से काफी क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे। कैंपिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहां आप अनलिमिटेड एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हैं, इन सब में आपको इतना मजा आएगा कि आप अपनी लाइफ का हर फुर्सत का पल यहां बिताना चाहोगे। वेल, अगर आपको नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर चाहिए तो फ्लाइंग फॉक्स यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। बंजी जंपिंग से सेफ्टी के साथ आप सीधे पहाड़ों से नीचे कूद जाओ या पैराग्लाइडिंग करके ऊंचे पहाड़ों का मजा लो, और तब भी अगर मन ना भरे तो एयर सफारी या गैस के गुब्बारे से ऊपर पहाड़ों से आसमान में उड़ना, जहां से ऋषिकेश और हिमालय की पहाड़ी की पूरी रेंज का नजारा आपको साफ दिखाई देगा। बट आने से पहले फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइट और पानी से डरने वाले यहाँ आके अपना डर निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे राफ्टिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी का मजा लेने आया हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं हर एक एडवेंचर की वीडियो बना के पूरी डिटेल के साथ जरूर डालूंगा। रात में लक्ष्मण झूला देख लिया, अभी हम जा रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 9:30, और राफ्टिंग मैन ड्राइव से सबसे लंबी वाली होने वाली है। माय गॉड, मेरे तो दिल में धड़कन हो रही है क्योंकि रैपिड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और ये देखो लाइफ जैकेट्स पीछे ही बैठ के आता हूँ, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, मैगी खाने वाले हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करा नहीं है, बाकी मिलते हैं। मेरे पीछे ये है शिवपुरी से थोड़ा सा आगे, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम मेन जगह जा रहे हैं, मेन ड्राइव जिसे कहते हैं। तो गाइज, वहाँ की रैपिड बहुत खतरनाक होती है, काफ़ी मनाया है इनको रिस्क लेने के लिए और ये लोग मान भी गए। तो अभी हम टोटल 5 लोग हैं यहाँ पे इस बोट में, और सिंगल को अलाउड नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभी मैं जा रहा हूँ, और ये यहाँ पे 20 रुपये की पर्ची कटती है, इससे मैन ड्राइव ऊपर हम ड्राइव करके जाएंगे।
तो पहुंच चुके हैं भाई, चप्पू ले लिया हाथ में, पीछे से मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो नदी, हाँ वो चल रही है भाई गंगा नदी। तो भाई अपन नीचे उतर रहे हैं, ये देखिए अपनी बोट भी ये जा रहे हैं भैया लेके, ये इतनी पास से निकली है देखो इसी नाव में जाएंगे अभी हम। चलिए नीचे चलते हैं, नदी की तरफ आपको दिखाते हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले पानी का बहाव, तेरी बोट सामने, चप्पा चप्पा चरखा चलाते हैं, मज़ा एक्साइटेड है। तो ये वैसे बोल रहे हैं फ़ोन जमा कराने के लिए, अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास दो ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो बनाऊँ या फ़ोन जमा करा दूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि आपका फ़ोन का रिस्क है क्योंकि रैपिड जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पानी, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये जितना पानी बह रहा है ये यहाँ से और 15 फुट इस तरफ और कम होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 15 फुट इस तरफ ज़्यादा है, 15 फुट उस तरफ ज़्यादा है, तो बड़ी होगी चौड़ी होगी, तो रैपिड बहुत तगड़ी आने वाली है। चलो देखता हूँ रिस्क क्यों लें, फ़ोन जमा करा देता हूँ, नहीं तो आगे का जो सफ़र है वो मैं कैसे दिखा पाऊँ। मेडिकल इश्यूज, ऑल फिट, स्टिल हैव टू रिपीट दोस, इज देयर एनी अस्थमैटिक, एनी हार्ट पेशेंट, एपिलेप्टिक अटैक, ब्रोकन हार्ट, परफेक्ट, यू कैन से गंगे मैया की, लाउडा गंगे मैया की जय। माय सेल्फ सुधीर, देयर विल बी अनदर गाइड इन द अदर राफ्ट्स, दीपक सिंह राणा, गुड मॉर्निंग, टू राफ्ट्स, फाइव पीपल इन दिस, टू इन दैट वन। Rafting, it's basically a teamwork. We used to brief before every trips, so we'll give you an instruction, do's and don'ts. Idea is to not to scare you, but prepare you for the coming situation. This place called Marine Drive will be running in Shikore, which is about 12 kilometers, and it will take you maximum 1 hour at this level. Water floating position, so take your feet down where the river going. Lie on your back absolutely flat and hold your jacket from here. Through the rapid, there are chances where your jacket gets bit loose and started coming over your face and makes you very uncomfortable. That's why your jacket's supposed to be tight enough and still over it you have to keep pressing it down. Paddle, it's gonna be like this in your hand. This will really help you out. मान लो कि आप पत्थर पे लगने वाले हो, ऐसे करके अपने आप को बचा सकते हो, तो ये हमेशा हाथ में रखने का। अभी आपको राफ्ट में वापस कैसे लाएंगे, इसके लिए हमारे पास रेस्क्यू बैग है, थ्रो बैग ही बोलते हैं, ये हम आपको देने वाले तब जब आप राफ्ट से थोड़े दूर होंगे। बैग फेंकने से पहले हमारा आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, मैंने फेंक दिया और आपने देखा नहीं तो काम भी बढ़ गया, और जिस काम की ये फेंका है वो होगा नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम आई कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं विशेल करूँगा तो आपको इमिडिएटली आई कॉन्टैक्ट करने का है। ये वाला मेरे हाथ में होता है, बैग का टारगेट रहता है आपके सर पर लगे, इसलिए हेलमेट है, लेकिन बढ़ते हुए पानी में पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ थोड़े नए माए भी हो सकते हैं, हाथ पाँव चला के इसको पकड़ने का है। पीछे से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो जो बची हुई रस्सियाँ हैं वो निकलती रहेंगी। तो एक हाथ से माउथ ऑफ द बैग और दूसरे हाथ से रोप सिंपली, बहुत चैलेंजिंग है। इनको ऊपर कैसे खींचना है, खड़े होके पुट योर नीज ऐसे अगेंस्ट द ट्यूब एंड देन होल्ड इट देयर, देन पर्सन हु इज कमिंग अप शुड पुश द रोप डाउन एंड चेस्ट अप। यू रेडी, काउंट टू 3, यू गोना जंप अप, रेडी, 1 2 3। डूब जाएंगे कोई कम नहीं, लेकिन आज मज़ा काफ़ी आने वाला है, रैपिड काफ़ी अच्छी है, पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है, मज़ा आने वाला है। चश्मा मैंने उतार दिया क्योंकि नेचुरल व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। और अपने वहाँ पे चप्पू हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, और यहाँ से हम जाएंगे आगे, रैपिड बन रही है वहाँ से, मज़ा आने वाला है काफ़ी। और मोबाइल अगर मेरा सेफ तरीके से कुछ इसका जुगाड़ हो गया तो मैं इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप भी लुत्फ उठा पाएँ और नज़ारे देखो यार, बाकी ऑसम। एक पत्थर मैं देखता हूँ, ये तैरेगा नहीं तैरेगा, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है, राइट। बस अब सफ़र तैयारी पे, चलिए चलते हैं। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द राफ्टिंग फ्रॉम मरीन ड्राइव एंड इट्स अ सनी डे, हाउ आर यू ऑल, आर यू ऑल एक्साइटेड टू बी ऑन द रिवर टुडे? जय गंगा मैया की। We have started right from here and we'll be going till Shipuri, which is about 12 kilometers. Lovely. Yeah. Woo.
sit tightly. All you have to do is just keep your feet tight. Yes. Sit tightly. Nothing will happen. Nothing will happen. First rapid, how was it? Good. It was just the starter one. We'll get some bigger ones. Okay. Are you all ready for the bigger ones? Yeah. Yeah. Okay. Soon there'll be 3 blind mice coming up. How many total rapids will there'll be 6 rapid total. 6 rapid? Yes. One is just passed. Yes. And 5 more left. Yes. Keep going. Stop, relax. Tightly. Body heel out. Kicho. And stop, please. Relax. Forward again, please. Stop, relax. Pull harder, move your bodies. Boom. Keep paddling and stop. Nothing to worry. Pull him up. Pull him up. Khicho unko upar. I'm okay. Khicho unko. Yeah. All right, settle down your position. And back paddle all. Back paddles. Back paddles. And stop. So how was it? Yeah. Yeah. Awesome. You have crossed the awesome. Biggest one of the day. Yeah. This was the biggest. Okay, jump.
जंप जंप We are in the middle of the rapid and we are swimming. Actually, we have body surfing. Go, 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 come on. Yes. I'm good. कैसा लग रहा है सर जी? Yeah, very good. मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है. बाजी, चलो. Very good. So share your experience. How are you feeling? Oh my God. 2000 years later. Oh my God. मेरा तो हो गया बेड़ा धार. तो भाई राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट. तो मैं तो अभी गंगा जी के तट पे हूँ, नहा रहा हूँ आराम से. बहुत ही खतरनाक राइड थी, बाकी काफ़ी मज़ा आया. तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ. मेरे को बहुत ठंड लग रही है, पहले चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ. काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है. चलो भाई अब चल के जा रहे हैं उनके ऑफिस. यहाँ पे इनका कुछ GoPro से शूट किया है, वो मैं आपको क्लिप डाल दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा. हर हर गंगे, हर हर गंगे. आई विश आपने वीडियो काफ़ी इंजॉय किया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन और राफ्टिंग कैसी लगी. चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द. अबे यार क्या होगा, कुछ नहीं, चलो बाय बाय.